हेलो प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के चैप्टर 15 की प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम कर चुके हैं, तो आइए आज प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का सम कितना होता है? 1 होता है। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि पी ई जमा पी ई नोट या पी ई बार बराबर होता है 1 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सेकंड पार्ट है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती खालिस्तान है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। एक ऐसी घटना की प्रायिकता बताइए जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि जो असंभव है, तो उसको क्या कहेंगे हम? असंभव। और उसकी प्रायिकता क्या होगी? असंभव की प्रायिकता होती है 0। और उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी घटना को हम असंभव कहेंगे, असंभव कहलाती है। थर्ड पार्ट है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। ऐसी घटना जो घटना निश्चित है, कन्फर्म है कि वो घटना घटेगी, निश्चित है, 100% कन्फर्म है, तो उसकी जो प्रायिकता होती है, निश्चित की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1। और ऐसी घटना कहलाएगी निश्चित घटना। तो इसमें हो जाएगा निश्चित घटना और प्रायिकता हो जाएगी 1। चौथा पार्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमने पीछे वीडियो में किया था कि किसी भी घटना की, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। इसमें हो जाएगा 1। फिफ्थ पार्ट है, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था कि प्रायिकता होती है जो पी ई, वो 0 से लेकर के 1 तक होती है, 0 से लेकर के 1 तक। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसमें आ जाएगा 0 और 1। तो बच्चों, प्रश्न संख्या जो 1 में था, सभी जो खालिस्तान थे, वो हम सारा इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कर चुके हैं, तो सारा हम पहले कर चुके हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संप्रायिक होता क्या है। तो बच्चों, संप्रायिक का मतलब होता है एक समान प्रायिकता, यानी दो घटनाओं की प्रायिकता एक समान हो, तो उसे हम बोलते हैं संप्रायिक। जब दो घटनाओं की प्रायिकता एक समान हो तो उसे हम कहेंगे संप्रायिक। जैसे एक सिक्के को जब उछाला जाता है एक बार, तो वहाँ पर पट के आने की प्रायिकता भी 1/2 है और चित के आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो यहाँ दोनों प्रायिकता क्या हैं? समान है। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर जो परिणाम है वो क्या है? संप्रायिक। तो ये होता है संप्रायिक का मतलब। तो प्रश्न संख्या 2 के फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती? तो इसमें हमें ये बताना है कि इसकी जो परिणाम आएंगे वो संप्रायिक हैं या नहीं हैं, यानी कार के चलने और कार के न चलने की जो प्रायिकता है वो दोनों समान हैं, संप्रायिक हैं या नहीं हैं। तो बच्चों, ये जो पहला पार्ट है इसका, इसके जो परिणाम आएंगे वो संप्रायिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ड्राइवर कार को चलाने का प्रयास करता है तो कार चल भी सकती है और नहीं भी। तो ये क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कि कार की कंडीशन कैसी है, कार कैसी है। अगर मान लो कार अभी अभी नई कार खरीदी गई है, बिल्कुल नई कार है, न्यूली कार है, और उसके अंदर पेट्रोल भी है, तो ये कन्फर्म है 100% कि निश्चित है कि कार चलेगी। तो वहाँ पर चलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। और नहीं चलने की प्रायिकता वहाँ पर क्या होगी? 0। तो दोनों समान नहीं है। और अगर मान लो कार पुरानी और कार के अंदर या कार के अंदर पेट्रोल ही नहीं है,
तो वहां पर कन्फर्म है कि कार नहीं चलेगी। तो वहां पर नहीं चलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक, और चलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर हर केस के अंदर जो परिणाम है वो समप्रायिक नहीं है, उनकी प्रायिकता है वो अलग अलग है, समान नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कार का चलना या नहीं चलना, कार की कंडीशन के ऊपर कि कार है वो कैसी है, नई है, पुरानी है, उसके अंदर पेट्रोल है या नहीं है। तो इस केस के अंदर जो परिणाम होंगे वो समप्रायिक नहीं होंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। बच्चों यहाँ पर बास्केट के अंदर बॉल को डालना ये निर्भर करेगा कि जो खिलाड़ी है वो उसकी योग्यता के ऊपर, उसकी कुशलता के ऊपर कि खिलाड़ी है वो कितना कुशल है अपने खेल के अंदर। अगर खिलाड़ी इस खेल के अंदर कुशल होगा, उसने अच्छी प्रैक्टिस अभ्यास किया होगा, तो वो इस खेल में निपुण होगा, तो वो कन्फर्म है कि वो बॉल को बास्केट के अंदर डाल देगा। लेकिन अगर खिलाड़ी है वो बिल्कुल नया है, उसका इसके अंदर कोई कौशल नहीं है, वो इसके अंदर कुशल नहीं है, बिल्कुल भी निपुण नहीं है, तो ये निश्चित है कि वो उसके अंदर बॉल को नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ पर बॉल का डलना और ना डलना ये निर्भर करेगा खिलाड़ी की कुशलता के ऊपर कि खिलाड़ी का अपने खेल में कितना कौशल है, वो इसके अंदर निपुण है या नहीं है। तो यहाँ पर जो तो परिणाम आएंगे वो दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे, संप्राय के नहीं होंगे, क्योंकि उनकी प्रायिकता डलने की और ना डलने की प्रायिकता है वो अलग अलग है। थर्ड पार्ट है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगा जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है, वो सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स वाला है। तो इसकी संभावना क्या है, इसके अंदर प्रश्न जो है वो या तो सही होगा या गलत होगा, दो ही दो इसके अंदर परिणाम होंगे, या तो सही या गलत। तो सही होने की प्रायिकता क्या होगी, सही होने की प्रायिकता होगी 1/2। क्यों, क्योंकि कुल परिणाम हमारे पास हैं दो, सही या गलत। तो सही होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, और गलत होने की प्रायिकता भी क्या होगी 1/2। तो यहाँ पर दोनों जो परिणाम है वो क्या है, बराबर हैं, दोनों ही केसों की जो तो प्रायिकता है वो समान है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके अंदर जो परिणाम है वो हो जाएंगे समप्रायिक। फोर्थ पार्ट है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। तो ये पार्ट भी बिल्कुल तीन की तरह ही है, कोई बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर दो ही संभावनाएं होंगी, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो लड़का या लड़की, तो वहाँ पर इस केस में कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, दो, लड़का या लड़की। और लड़का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, और लड़की होने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी 1/2। तो दोनों ही केसों में परिणामों के अंदर प्रायिकता क्या है, समान है। तो ये कह देंगे इस प्रयोग के अंदर परिणाम है वो समप्रायिक होंगे। तो बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट में हम ये लिख सकते हैं कि परिणाम संप्रायिक नहीं है, क्योंकि कार का चलना या न चलना ये कार की स्थिति पर निर्भर करेगा, ये कार नई है या पुरानी, उसमें ईंधन है या नहीं। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर लिखेंगे, यह परिणाम भी संप्रायिक नहीं है, क्योंकि बाल का बास्केट में डलना या नहीं डलना ये निर्भर करेगा खिलाड़ी की कुशलता या निपुणता पर, उसे इस खेल में कितनी कितना अनुभव है या कितनी उसकी निपुणता है। थर्ड पार्ट होगा, ये परिणाम संप्रायिक है, क्यों, क्योंकि प्रश्न के सही होने की प्रायिकता भी 1/2 है, और प्रश्न के गलत होने की प्रायिकता भी 1/2 है, दोनों की प्रायिकता क्या है, समान। तो ये संप्रायिक हो जाएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर भी परिणाम संप्रायिक होंगे, क्योंकि लड़का होने की संभावना प्रायिकता है वो 1/2 है, लड़की होने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो यहाँ पर भी दोनों परिणाम क्या है, इनकी प्रायिकता समान है, तो ये भी परिणाम संप्रायिक हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक नए संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बच्चों ये प्रश्न समझने का है कि अभी जब भी हम टॉस करते हैं तो उसमें कौन सी टीम पहले खेलेगी या कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालते हैं।
या आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच हो या कोई भी मैच हो तो वहाँ टॉस किया जाता है, सिक्के को उछाला जाता है। तो वहाँ पर टीमें पहले ये डिसाइड करती हैं कि वो टीम क्या लेगी, पट या चित, इस प्रकार से। तो इसको न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो बच्चों इसको इसलिए न्याय संगत माना जाता है क्योंकि सिक्के को उछाड़ेंगे हम तो वहाँ पर जो परिणाम होते हैं वो दोनों ही संप्रायिक होते हैं। पट के आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और चित के आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रायिकताएँ क्या हैं, समान हैं। तो इसलिए दोनों टीम इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करती हैं क्योंकि उसके अंदर किसी भी एक परिणाम के आने की संभावना 100% नहीं होती। तो दोनों ही परिणाम आने की संभावनाएं बराबर बराबर, प्रायिकता बराबर बराबर होती हैं, इसलिए इसको न्याय संगत विधि माना जाता है। तो इसमें बच्चों आपने लिखना क्या वो देख लीजिए, जब हम सिक्के उछालते हैं तो पट और चित आने का परिणाम संप्रायिक या सम संभावी बराबर संभावना है, किसी सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णता निश्चित नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती या नहीं हो सकती? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ए पार्ट में है 2/3, बी में है -1.5, सी में है 15% और डी में है 0.7। हमने पीछे पढ़ा था किसी भी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 तक होती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब 2/3 है, ये 1 से क्या है कम है, 0 से बड़ा ही हो सकती है। सेकंड पार्ट में है -1.5, अब ये संख्या है वो है 0 से छोटी क्योंकि ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ये घटा की है, 0 से छोटी है, तो ये नहीं हो सकती। सी है 15%, 15% है, ये 1 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 15/100, तो ये हो सकती है। डी है 0.7, ये मान भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, यानी 0 से लेकर के 1 तक ये मान है उसके बीच में आता है, ये 0 से बड़ा है तो हम और 1 से क्या है छोटा है, तो प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर के 1 तक, तो 0.7 भी हो सकता है, तो बी पार्ट है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर हमें पी ई की जो प्रायिकता वो दे रखी है, ई की प्रायिकता 0.05, ई नहीं की प्रायिकता में बतानी है। ई नहीं को हमें बता सकते लिख सकते हैं पी ई बार या ई नहीं, एक ही बात है ये। पीछे हमने पढ़ा था पी ई जमा पी ई बार बराबर है 1, ये पीछे हमने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। यहाँ से पी का मान रखेंगे हम 0.05 जमा पी ई नहीं बराबर 1, तो यहाँ से हमारे पास पी ई नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 घटा इधर आएगा 0.05, घटाएंगे इसको 1 में से तो 0.95, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0.95। प्रश्न संख्या 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नंबर 2 नींबू की महक वाली है। अब देखो बच्चों, इसकी बैग के अंदर थैले के अंदर केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, केवल नींबू की, इसके अलावा और कोई नहीं है। तब उसके अंदर से हम कोई गोली निकालेंगे तो वो संतरे की महक वाली क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर नींबू की महक वाली है, संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, जिसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। वो नींबू की महक वाली है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब उसके अंदर से आप निकालोगे तो उसके अंदर से नींबू की महक वाली ही गोलियाँ बाहर आएंगी, ये तो कन्फर्म है, निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पी संतरे के महक वाली बराबर 0 और पी नींबू के महक वाली बराबर 1, संतरे के महक वाली की प्रायिकता हो जाएगी 0 क्योंकि ये असंभव है, क्योंकि उसके अंदर नींबू के महक वाली गोलियों के अंदर संतरे की महक वाली गोली नहीं है, ये असंभव है, ये 0 हो जाएगी। और नींबू के महक वाली ये निश्चित है क्योंकि उस थैले के अंदर सिर्फ नींबू की ही महक वाली गोलियां हैं, तो उसमें से कोई भी निकलेगी तो वो नींबू वाली निकलेगी, तो उसकी तो
प्रायिकता क्या होगी, वन होगी, क्योंकि निश्चित है ये, तो वन हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पर हमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी 0.992, और हमें बतानी है उनका जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो ये जो 7th क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल 5 की तरह है, बिल्कुल 5 की तरह जो हमने पीछे किया है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है 0.992। हमें प्रायिकता बतानी है जन्मदिन एक ही दिन होने की, तो वो क्या हो जाएगी। हमने देखो पीछे किया था कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ होता है एक। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ना होने की और एक है होने की, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा एक। तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक में से हम घटा देंगे होने ना होने की प्रायिकता 0.992, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.008। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। अब यहाँ पर जो गेंदे हमारे पास हैं थैले में, वो कुल हैं 8 गेंदे, 3 लाल और 5 काली। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, हमारे पास 8 होंगे, क्योंकि जो भी बॉल हम निकालेंगे वो 8ों में से निकालेंगे, तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 8। अब उसमें से एक गेंद को हमने रेंडमली यानी यादृच्छ निकाला है, यादृच्छ का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी रुकावट के, स्वतंत्रता पूर्वक निकालना। तो एक गेंद निकाली है, तो प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल होगी या लाल नहीं होगी। तब लाल होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी वो बतानी हमें। तो लाल जो गेंद आएगी वो आएगी 3 में से, कुल गेंदे हमारी हो जाएंगी 8, कुल संभावित परिणाम भी हो जाएंगे हमारे 8। अब यहाँ पर जो लाल गेंदे हैं वो हमारे पास हैं 3, और जो काली गेंदे हैं वो हैं हमारे पास 8। अब एक गेंद को निकाला जाता है रेंडमली यादृच्छा, तो प्रायिकता में बतानी है कि लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो लाल के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने हैं, वो 3 हैं, क्योंकि लाल है वो 3 में से तो आएगी, काली तो लाल नहीं हो सकती, तो लाल है वो 3 में से आएगी, तो लाल के जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो 3 होंगे, और कुल संभावित परिणाम हमारे कितने हैं 8, तो 3/8 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा पूछा कि पी लाल नहीं होने की, लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी। अभी क्या था हमने, एक में से घटा देंगे, क्योंकि तो पी लाल, लाल होने की और ना होने की दोनों का सम कितना होता है एक, तो पी लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3/8 ये हो जाएगा 5/8। प्रश्न संख्या 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल ये भी, ऊपर वाले की तरह ही। यहाँ पर हमारे पास कुल जो कंचे वो हैं 17, तो कुल संभावित परिणाम भी हमारे कितने हो जाएंगे 17। हमारे पास लाल कंचे हैं 5, हरे सफेद कंचे हैं 8 और हरे कंचे हैं 4, कुल कंचे हो जाएंगे 17, तो हमारे कुल संभावित परिणाम भी कितने हो जाएंगे 17। अब हमें बताना है कि लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब लाल के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं 5 है, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 17, तो 5/17 हो जाएगा। फिर है पी सफ़ेद होने की प्रायिकता, पी सफ़ेद है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सफ़ेद के अनुकूल जो परिणाम है हमारे पास है 8, और कुल संभावित हैं 17, तो 8/17। फिर है पी
हरी या हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पहले हम निकालेंगे प्रायिकता हरा होने की, हरा कंचा होने की। तो पी हरा, इसकी प्रायिकता क्या होगी वो देखते हैं। हरे होने के जो के अनुकूल जो परिणाम हमारे पास वो कितने हैं? 4। कुल संभावित हैं 17। पी हरा नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4/17, यह आ जाएगा 13/17, ये आंसर होगा।